एग्जिट पोल के सर्वे ने कांग्रेस सहित उससे जुड़े घटक दलों के समीकरण बिगाड़ के रख दिए हैं। तमाम मीडिया हाउस ने जो पोल सामने आए हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे रिपोर्ट ने राजनीतिक के बड़े बड़े सूरमाओं के हौसले पस्त कर दिए हैं। इंडिया टुडे के सर्वे पर यकीन करें तो गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि उनके समर्थकों की भी नींद उड़ गई है। दमदार प्रत्याशी के न उतरे जाने से भाजपा की इस सीट पर कमजोर स्थिति मानी जा रही थी। 2014 में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी में हार का सामना करना पड़ा था। अपने इस दिल के दर्द को वे चुनावी सभाओं में कई बार जनता के सामने जाहिर भी कर चुके हैं। इस हार के अंतर और वोटों की लीड बढ़ाने सांसद सिंधिया ने इस बार अपने राजनीतिक कौशल का परिचय देकर विरोधियों को भी अपने साथ मिला लिया। महल विरोधी पूर्व राज्य मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल को अपने समर्थन में खड़ा कर सांसद सिंधिया ने आधी लड़ाई एक तरह से जीत ली थी। उधर भाजपा प्रत्याशी के भी घुटने टेक देने के बाद ये माना जा रहा था कि इस बार सांसद की जीत की लीड एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी, लेकिन जारी किए गए एग्जिट पोलों ने सारे अंदाजों और आंकड़ों को ही बदल कर रख दिया। सांसद सिंधिया इन चुनावों में सारी चालें चल चुके हैं, अब बारी सिर्फ परिणामों की है। कांग्रेस ने शायद यह सोचा होगा कि सांसद सिंधिया के आगे बेहद अदना माना जाने वाला भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव सिंधिया को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। सिंधिया की लीड का मार्जिन बढ़ाना इसलिए भी तय माना जा रहा था क्योंकि डॉक्टर केपी यादव इतने पॉपुलर नहीं हैं जितना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता के बीच में एक चिर परिचित चेहरा है। दूसरी ओर सिंधिया के साथ उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने जिस तरह से कदम मिलाकर नुक्कड़ सभाएं और जनता से सीधा संपर्क किया था उससे सिंधिया की राह और भी आसान हो रही थी। बहरहाल ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की हार जीत में अब चंद घंटों का फासला है शेष रह गया है। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि एग्जिट पोलों के दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। बमोरी, चंदेरी, अशोकनगर, मुंगावली, कोलारस, बदरवास ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिंधिया के पक्ष में इस बार वोटिंग ज्यादा हुई है। इंडिया टुडे की सर्वे रिपोर्ट इस सीट पर बराबरी की टक्कर मानकर चल रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टर के अपने सर्वेक्षण में इस बार सांसद सिंधिया की लीड 1 से 1.25 लाख वोटों के अंतर को तय करेगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नेताओं का दावा है कि गुना सीट पर देश की अन्य सीटों की तरह ही मोदी फैक्टर का जादू चला है, इसलिए सांसद सिंधिया का इस बार बड़े मार्जिन से जीत पाना आसान काम नहीं होगा।